मुनव्वर फारूकी की हो जाएगी वॉलंटरी एग्जिट। वेल, मुनव्वर फारूकी लगातार घर जाने की बात अचानक से क्यों करने लगे? मुनव्वर फारूकी जो बिग बॉस सीजन 17 के मोस्ट हाइप्ड कंटेस्टेंट्स में से एक हैं, तो वहीं अब उन्होंने घर जाने की रट लगा दी है। भाई कल तक जो मुनव्वर फारूकी अपने गेम में कमबैक करने की बात कर रहे थे, सभी को डंके की चोट पर जवाब देने की बातें कर रहे थे, आज अचानक से रोते बिलकते दिखाई दे रहे हैं। आज अचानक से ऐसा क्या हो गया है कि मुनव्वर फारूकी को घर जाना है? मुनव्वर फारूकी यहां अंकिता और मनारा के साथ बातें करते हुए नजर आए, जहां उन्होंने कहा कि प्लीज गेट खोल दो, आई विल वॉक आउट ऑफ द शो। वेल, आपको बता दें मुनव्वर फारूकी से जुड़ा एक नया प्रोमो सामने आया है, जिस प्रोमो में मुनव्वर फारूकी रोते हुए नजर आ रहे हैं और रोते हुए एक ही बात कह रहे हैं कि मेरी वजह से एक लड़की का दिल दुखा है, पर आप लोग मुझे 9 हफ्तों से जानते हो, मैं धोखेबाज नहीं हूँ, मैं फेक नहीं हूँ, मैं जो हूँ वो हूँ। आपको बता दें फैंस के अगर नजरिए की बात करें तो एक सेक्शन ऑफ ऑडियंस ऐसी है जो मुनव्वर को कह रही है कि भाई मुनव्वर सिंपैथी कार्ड खेल रहे हैं, तो वहीं उनका कल्ट फैन बेस ये कह रहा है कि भाई वो मुनव्वर को उनकी कला की वजह से प्यार करते हैं, उनकी पर्सनल लाइफ में क्या होता है उसे उनसे कोई मतलब नहीं है। अब इस पर फैंस की राय तो हमने आपको बता दी, लेकिन आपको बता दें कि मुनव्वर फारूकी इस कॉन्वर्सेशन के बीच घर जाने की बात कह देते हैं। मुनव्वर फारूकी के पास आयशा खान भी बैठी हैं। इस कॉन्वर्सेशन के अंदर मुनव्वर फारूकी को काफी ध्यान से देखती नजर आ रही हैं, जिस बात पर फैंस अपने रिएक्शन भी दे रहे हैं। उनका कहना है कि पहले तो मुनव्वर की लाइफ को इस तरह से तूफान में बदल दिया और उसके बाद यहाँ पर लाइमलाइट लेने आ गई हैं आयशा खान। वेल, दोस्तों मुनव्वर फारूकी की वॉलंटरी एग्जिट पर तो इस वक्त काफी बड़ा सवाल बन चुका है। मुनव्वर घर जाना चाहते हैं, लेकिन यहाँ लोग उन्हें ईशा से कंपेयर कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मुनव्वर भाई जरा हिम्मत रखिए, ईशा को देखिए, ईशा कितनी छोटी है लेकिन उन्होंने फिर भी अपनी सिचुएशन को कितने मैच्योरली हैंडल किया, हम आपसे भी वही उम्मीद करते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मुनव्वर फारूकी के इस पूरे सिनेरियो में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। साथ ही बॉलीवुड से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहें फिल्मी बीट।